हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वह है पहल कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 3 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन। तो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन कॉल करेंगे, जो पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक है। आइए शुरू करते हैं और हल करते हैं कक्षा 3 कार्य पुस्तिका पहल के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन। सवाल नंबर पहला, दिए गए बॉक्स में चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तुओं पर गोले का चिन्ह लगाइए व सरकने वाली वस्तुओं पर तारे का चिन्ह लगाइए। लुढ़कने वाली वस्तुओं पर हमें गोला लगाना है और सरकने वाली वस्तुओं पर हमें तारे का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ हमें ये जो चित्र दे रखे हैं, ये वस्तुएं सरकने वाली हैं या लुढ़कने वाली हैं? लुढ़कने वाली हो उन पे हमें गोला लगाना है और सरकने वाली पर हमें तारे का चिन्ह लगाना है। जैसे कि ये पहली वाली वस्तु देखिए, इस चित्र में जो वस्तु दे रखी है ये सरकने वाली है, तो हमने इस पे क्या लगा रखा है? स्टार लगा रखा है, यानी तारे का चिन्ह लगा रखा है। दूसरा देखिए, गेंद, ये सरकने वाली है या लुढ़कने वाली है? तो ये गेंद लुढ़कने वाली है, तो हम इस पे क्या लगाएंगे? गोला। तो हम यहाँ इस बॉक्स में गोला लगाएंगे। अगला चित्र देखिए, पेंसिल, यह भी लुढ़कने वाली है, तो इस पे भी हम क्या लगाएंगे? गोला। आगे देखिए, ये जो बॉक्स है वह सरकने वाला है, तो इस पे हमें स्टार लगाना है। आगे देखिए, ग्लास, ये ग्लास जो है वह है सरकने वाली, तो इस पे भी हम स्टार लगाएंगे। आगे देखिए, पुस्तक, यह भी सरकने वाली है, तो इस पे भी हम स्टार लगाएंगे। आगे देखिए, तरबूज, यह लुढ़कने वाला है, तो हम इस पे गोला लगाएंगे। आगे है ईंट, यह सरकने वाली है, तो हम इस पे स्टार लगाएंगे। तो विद्यार्थियों, हमने पहला वाला सवाल हल किया। आप भी इस प्रकार से लुढ़कने वाली वस्तुओं पर गोले का चिन्ह और सरकने वाली वस्तुओं पर तारे का चिन्ह लगा करके इस सवाल को हल कीजिए, और इस प्रकार की और भी वस्तुएं जो हमें दिखती हैं उनका हमें देखना है कि वह सरकने वाली है या लुढ़कने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सवाल नंबर दूसरा, लुढ़कने वाली वस्तुओं पर गोला व सरकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ इस सवाल में हमने लुढ़कने वाली वस्तुओं पर गोला लगाना है और खिसकने वाली वस्तुओं पर हमें सही लगाना है। अब देखिए, यह जो गेंद है वह कौन सी है? लुढ़कने वाली, लुढ़केगी यानी लुढ़कने वाली है, तो हमें इस पे गोला लगाना है। ये हमने लगा दिया इस पर गोला। बल्ला, बल्ले क्या है? इस पे हम खिसकने वाले हैं, तो इस पे हम लगाएंगे सही का निशान। इस पे हमने लगा दिया सही का निशान। अगला देखिए, नींबू, नींबू लुढ़कने वाला है, तो इस पे हम लगाएंगे गोला। पुस्तक कौन सी है? खिसकने वाली, तो इस पे हम लगाएंगे राइट या सही का निशान। ईंट खिसकने वाली है, तो हम इस पे राइट का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने दूसरा सवाल हल किया। सवाल नंबर 3, गिनिए और मिलाइए। अब हमें इन्हें गिनना है और इधर मिलाना है। ये कितने? एक दो। कितने हैं? एक दो। इधर दो कहाँ है? एक दो, हम इनसे मिला देंगे। ये कितने गिनेंगे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। कितने हैं? नौ। अब इधर देखिए, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, हम इसको मिलाएंगे इससे। ये कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच, और इधर यहाँ एक दो तीन चार पाँच, इसको मिलाएंगे हम इससे। तो ये था आपके
तीसरा सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, चित्रों को गिनकर उतनी ही लाइन खींचिए। ये चित्र गिनने हैं और इस तरफ हमें उतनी ही लाइन खींचनी है। ये कितने हैं? 1, 2, 3। कितने हैं? 3। तो हम 3 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3। ये मोर देखिए, मोर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम यहाँ पे 6 लाइनें खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये फुटबॉल कितने हैं? 1, 2। हम यहाँ 2 लाइनें खींचेंगे, 1, 2। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4। हम यहाँ 4 लाइनें खींचेंगे, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पहला वाला सवाल हल किया, दूसरा हल किया, तीसरा हल किया और उसके बाद में हमने चौथा सवाल हल किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल। सवाल नंबर 5, गिनकर संख्या लिखिए। हमें इन चित्रों को गिनना है और यहाँ बॉक्स में संख्या लिखनी है। अब ये कितने? 1, 2, 3। कितने हैं? 3। तो हमें यहाँ संख्या लिखनी है 3। ये कितना है? 1। हमें यहाँ लिखना है 1। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें यहाँ बॉक्स में लिखना है 5। ये था आपके सवाल नंबर 5वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, तीलियों को गिनते हुए बॉक्स में संख्या लिखिए। अब हमें तीली गिननी है और यहाँ बॉक्स में संख्या लिखनी है। ये 10 तीलियाँ हैं और यह 1, 2, 3, 4, 5, 6। 10 तिलियों का 1 दहाई और ये 6 इकाई। दहाई में कितना आएगा? 1 दहाई। 10 तिलियों का समूह 1 दहाई होता है, तो हमें 1 दहाई इकाई में ये कितनी है? 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 इकाई। संख्या क्या बन गई? 16। अब यहाँ देखिए, 10 तिलिये और ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये है 7। 10 तिलिये यानी 1 दहाई और 7 इकाई। दहाई कितनी है? 1 और इकाई कितनी है? 7। संख्या बनी 17। तो ये था आपके सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, गिनती पूरी कीजिए। अब यहाँ गिनती 1, 2, 3 ये चीज़ लिख रखी है। हमें जो अंक छूटे हुए हैं, जो संख्या छूटी हुई है, वह लिखते हुए हमें गिनती पूरी करनी है। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, यह आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। ये गिनती हो गई 1 से 20 तक। चलिए एक बार वापस बोल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये था आपके सवाल नंबर 7। 8वां सवाल, सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाइए। सबसे छोटी संख्या पर हमें गोला बनाना है। इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है? 7, 2, 4। इनमें छोटी है 2, 2 पे बना रखा है गोला। इसी प्रकार 14, 16, 12, इनमें सबसे छोटी कौन सी है? 12, 12 पे बनाएंगे हम गोला। अब यहाँ 15, 7 और 20, इनमें सबसे छोटी कौन सी है? 7, इस पे बनाएंगे गोला। अब इसमें 19, 8 और 9,
इनमें सबसे छोटी कौन सी है? आठ। आठ पे बनाएंगे हम गोला। तो ये था आपके सवाल नंबर 8 जो पेज नंबर 2 पर था। इस पे 5, 6, 7, 8। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9। डिब्बे में छूटी हुई संख्या लिखो। अब इन डिब्बों में जो संख्या छूटी हुई है वह हमें लिखनी है। देखिए ये 5, 5 से पहले क्या आएगा? 4। हम यहाँ लिखेंगे 4। 4 के बाद 5, 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसमें देखिए 12 से पहले क्या आएगा? 11। तो हम यहाँ लिखेंगे 11। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18। ये वाला हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। लाइनों को गिनकर उनके नीचे दिए गए बॉक्स में अंक लिखिए व जोड़िए। लाइनों को गिनकर उनके नीचे दिए बॉक्स में अंक लिखना है और उन्हें जोड़ना है। अब ये कितनी लाइनें हैं? एक, दो। हम यहाँ संख्या लिखेंगे 2। ये कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। हम यहाँ लिखेंगे 4। 2 + 4 कितना हो जाएगा? 2 + 4 सबको जोड़ेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी हो जाएगी? 6। हम यहाँ लिखेंगे 6। अब यहाँ देखिए अगला वाला। ये लाइन है 1, 2, 3, 4, 5। ये लिखा हमने 5। ये कितना है? 1, 2, 3। ये लिखा हमने 3। 5 + 3, 5 में जोड़ेंगे हम 3। कितने हो जाएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए जोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हो गए? 8। 5 पे 3 जोड़ेंगे, 8 होगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 11। चित्रों को गिनकर खाली स्थान भरिए। ये चित्र गिनने हैं और खाली स्थान हमें भरने हैं यहाँ पे। ये देखिए पहला वाला, 11वें का पहला। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये जोड़ 1, 2, 3। ये लिखा हमने 10, जोड़ इधर लिखेंगे हम 3। 10 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। हम यहाँ लिखेंगे 13। 10 + 3 = 13। अब ये वाला, ये कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम यहाँ लिखेंगे 10 + 1, 2, 3, 4। यहाँ लिखा 4। 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। यहाँ लिखेंगे 14। सवाल 11वां हल किया। आगे बढ़ते हैं और सवाल हल करते हैं 12। गिनिए और बताइए कुल कितने। गिनना है और हमें बताना है कि ये कितने हैं, ये मेंढे कितने हैं? 1, 2, 3। हम यहाँ लिखना है 3। ये मेंढे कितने? 1, 2, 3। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 3। अब ये मेंढे कितने हो गए? 3 और 3 इधर जोड़ दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए? 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। तो ये था आपके सवाल नंबर 9, 10, 11, 12 जो पेज नंबर 3 पर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13। जोड़ कीजिए। अब इस 13वें सवाल में हमें जोड़ करनी है। ये है 2 + 5। 2 में हमें 5 जोड़ना है। 2 में 5 जोड़ेंगे तो उसके लिए हम कर सकते हैं 1, 2 गोला बनाया, फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5। इन सबको जोड़ लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, चलिए आगे। 5 + 2। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। हम यहाँ लिखेंगे 7। 3 में 4 जोड़ेंगे
तीन में चार कितना होगा, सात, यहाँ लिखेंगे सात, चार में तीन जोड़ेंगे तो होगा सात, हम यहाँ लिखेंगे सात। अब ये देखिए सात में एक जोड़ेंगे कितना होगा आठ, और एक में सात जोड़ेंगे तो भी कितना होगा आठ, एक में आठ जोड़ेंगे नौ, आठ में एक जोड़ेंगे नौ। ये था आपके सवाल नंबर 13। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये दो लड़के हैं, ये कह रहा है मेरे पास 5 रुपए हैं, मेरे पास कितने हैं 5 रुपए, और ये लड़का कह रहा है मेरे पास 7 रुपए हैं, बीच में जोड़ का चिन्ह, 5 रुपए इसके पास 7 रुपए इसके पास, दोनों को जोड़ना है, बताओ हमारे पास कुल कितने रुपए हैं, इसका हमें उत्तर देना है। इसके पास 5, इसके पास 7, तो 5 में हम जोड़ेंगे 7, कितना हो जाएगा 5 + 7 = कितना होगा 12, तो कितने रुपए हैं दोनों के पास मिलाकर कुल कितने रुपए हैं 12 रुपए। ये था आपके 14। सवाल नंबर 15, एक पेड़ पर 8 आम हैं, उनमें से 2 आम गिर गए, तो अब पेड़ पर कितने आम हैं, एक पेड़ पर कितने आम थे, 8 आम हैं, 2 आम गिर गए, तो पेड़ पे कितने आम हैं, 8 में से 2 घटा देंगे कितने बचे हैं 6 आम, तो 1, 2, 3, 5 और 6, इस ग वाले में दे रखा है तो हम यहाँ भरेंगे ये वाला ग, क्योंकि ये वाला हमारे सही है, 6 आम, कितने आम हैं 6 आम। सवाल नंबर 16, सबसे बड़े चित्र पर सही व सबसे छोटे चित्र पर गोले का निशान लगाइए। सबसे बड़े चित्र, इन तीनों में सबसे बड़ा चित्र कौन सा है, ये वाला, इस पर हमें लगाना है सही, और सबसे छोटा कौन सा है, कप, इस पर बनाना है गोला। सवाल नंबर 17, भारतीय मुद्रा को पहचानिए और लिखिए, ये कितने रुपए हैं, 1 रुपया, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 रुपया, ये कितना है 5 रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 रुपए, ये कितने हैं 2 रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 रुपए, ये कितने हैं 10 रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 रुपए। अब यहाँ देखिए ये वाले कितने हैं 2 रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 रुपए, ये कितने हैं 10 रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 रुपए, ये कितने हैं 5 रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 रुपए, और ये कितने हैं 20 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 रुपये। तो इस प्रकार से हमने भारतीय मुद्रा को पहचान कर हमने संख्या लिखी। अगला, इस पेज पे थे हमारे 13, 14, 15, 16, 17 सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, किससे मापना अधिक उपयुक्त रहेगा, सही पर सही का निशान लगाइए, राइट का निशान लगाना है, हम किससे माप सकते हैं। ये देखिए एक जाजम जो है, हम इसे अंगुली से मापें या बालिश से मापें या कदम से मापें, तो ये इसमें उपयुक्त कौन सा रहेगा, बालिश वाला, हम ये सही का निशान लगा देंगे। सवाल नंबर 19, इसी क्रम में अगली आकृति बनाइए, हमें क्रम देखना है और अगली आकृति हमें बनानी है, सीधा टी उल्टा टी, सीधा टी उल्टा टी, तो अब आएगा सीधा टी और अब आएगा उल्टा टी, इस प्रकार से हम अगला क्रम लिख सकते हैं, अगली आकृति बना सकते हैं, गोला दो लाइनें, गोला दो लाइनें, तो यहाँ आएगा गोला और यहाँ आएगी दो लाइनें। अब यहाँ ए एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे एक्स, या क्रॉस भी कह सकते हैं, ए क्रॉस वापस ए क्रॉस, ऐसे आएगा। चलिए अगला
सवाल नंबर 20, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। हमें ये वाला पैटर्न आगे बढ़ाना है। यहाँ पे आपके हैं वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, तो हमें इस प्रकार से आगे बढ़ाना है। सबसे पहले बनाएंगे हम वर्ग, फिर बनाएंगे हम त्रिभुज, और उसके बाद बनाएंगे हम वृत्त। वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। ठीक है बच्चों, अगला स्टार, ये भी बड़ा स्टार, छोटा स्टार, बड़ा स्टार, छोटा, बड़ा, इसी प्रकार से हम बनाएंगे, ऐसा वाला बनाएंगे। ये वाला बनाया, अब ये वाला बड़ा वाला बनाएंगे। इस प्रकार से हमने इस पैटर्न को भी हमने आगे बढ़ाया। तो बच्चों ये थे आपके सवाल नंबर 18, 19 और 20। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में पहल कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 3 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक हल किया। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।